हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो गाइस बहुत ज़बरदस्त कमाल शानदार होने वाला है, तो कोशिश कीजिएगा पूरा एंड तक देखें आप। आज ही हमारे पास आई है होंडा WRV गाड़ी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें हम इंस्टॉल करेंगे 360 कैमरा किट। हमारा जो प्रोडक्ट है वुडमैन 3.0 4GB 64GB 360 कैमरा किट वाला प्रोडक्ट। अभी मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ इसका, कि अभी क्या है। डिजी पैड लग के आता है होंडा सिटी और WRV में, तो इसमें भी डिजी पैड लगा हुआ है 7 इंचेस का, और फ्रेम लगा हुआ है, स्टेयरिंग बटन्स वगैरह सब है। स्पीकर्स वगैरह अभी ऑलरेडी कंपनी के फिटेड हैं गाइस इसमें। हमको सिर्फ इसमें स्टीरियो इंस्टॉल करना है, डिजी पैड हट के हमारा स्टीरियो इंस्टॉल होगा, साथ में 4 360 कैमरा लग जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया इस गाड़ी में क्या काम होना है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे काम होता रहेगा गाइस, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, वीडियो में दिखाता रहूँगा। लास्ट में 360 किट इंस्टॉल हो जाएगी, तो उसके बाद हम आपको कैलिब्रेशन का प्रोसेस भी दिखाएंगे, और उसके बाद कैसी परफॉर्मेंस वगैरह सिस्टम की वो भी दिखाएंगे गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, अभी इसका पूरा जो डिजी पैड था वो निकाल चुके हैं हम लोग, फ्रेम भी निकल चुका है, और यहाँ पूरा ब्लैंक स्पेस हो गया है यहाँ पे। अब हमारा कार स्पेसिफिक फ्रेम लगेगा पियानो फिनिश के साथ, और 9 इंचेस का डिस्प्ले लगेगा। प्रॉपर फिटिंग आएगी गाइस जब इंस्टॉल हो जाएगा, साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ पे ये सारे कपलर्स वगैरह हैं, जो गाड़ी के कपलर्स हैं, हमारे सिस्टम के कपलर के साथ फिटिंग होंगे, कोई वायर कट नहीं होगी। इसका मैं सिस्टम आपको दिखा देता हूँ एक बार, कैसा आया था निकलने के बाद, कैसा दिखता है। ये सिस्टम है गाइस WRV का, जो डिजी पैड लग के आता है कंपनी से। इतना मोटा सा हैवी सा है ये, काफ़ी वेट है इसमें, पीछे से इतना बड़ा है ये। कहते हैं कि WRV की सिस्टम की फिटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, बस 360 कैमरा भी इंस्टॉल हो चुके हैं, कैलिब्रेशन रह गया है। तो आप ये देख सकते हैं 9 इंचेस की स्क्रीन लगी है इसमें, प्रॉपर फिटिंग आई है, पियानो फिनिश में फ्रेम लगाया है, कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि गैप हो या वो। यहाँ पे ऊपर अभी आप रहने दीजिए, यहाँ पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी पार्ट्स लगने हैं, वो हमने जानबूझ के छोड़ रखे हैं, वो प्रॉपर फिटिंग के बाद वो भी आपको दिखा दूंगा। स्टेयरिंग बटन्स वगैरह सारी चीज़ें कंपैटिबल हैं, फिटिंग प्रॉपर आई है गाइस। तो गाइस WRV में 360 सिस्टम का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पे कैलिब्रेशन के लिए आए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आगे हमने मैट बिछाए हुए हैं, यहाँ पे पीछे भी हमने मैट बिछाया हुआ है। मैं आपको 4 कैमरा की फिटिंग दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे हुई है। यहाँ पे गाइस आपको एक दिख रहा होगा, ये राइट साइड का कैमरा है, आगे का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। आगे का कैमरा हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया गाइस, और लेफ्ट साइड का मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा आ रहा है गाइस, यहाँ पे लेफ्ट साइड का हो गया, और यहाँ पे आपका राइट साइड का कैमरा, बैक साइड का कैमरा। तो ये चारों कैमरा हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, बस अब कैलिब्रेशन की सेटिंग्स वगैरह करनी है, तो वो करके फिर हम आपको फाइनल वीडियो दिखाएंगे गाइस। ये 3D व्यू है सर, ओके। ये हमारा 2D व्यू होता है, यहाँ से आप मैनुअली राइट लेफ्ट रियर फ्रंट आप देख सकते हो। 3D आपको यूज़ करना है, तो ये नीचे 2D को आपने टाइप करना तो 3D मोड आ जाएगा। यहाँ से मैनुअली आप चेक कर सकते हो, ओके सर। ये चारों कैमरे की एक अलाइनमेंट हो जाती है, जिससे आपको व्यू ऐसा लगता है 360 में आ गया, ओके सर। ये डबल टैप करोगे आपको फुल 3D आ जाएगा। ये नॉर्मली हम ड्राइव करते हैं, फील होता है सर ये पूरा 360 के अंदर आपके व्यू शो कर। एग्जैक्ट ऑटोमेटिक आप रिवर्स करोगे तो 2D मोड के अंदर कन्वर्ट हो गया, आपको बैक साइड का व्यू शो करेगा। डबल टैप करोगे मिनी डिस्प्ले आ जाएगी, यहाँ से आप 2D ऑन करके दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, राइट साइड 2D मोड,
लेफ्ट साइड 3D मोड, यहाँ पे भी आप लेफ्ट साइड टैप करोगे तो डिस्प्ले ऑपरेट होगा आपके कैमरे का, फ्रंट रियर लेफ्ट राइट। ओके सर, ये सारे शॉर्टकट बटन्स होते हैं सर, आप इन्हें सिंगल टैप करोगे तो आपका डायरेक्ट यहीं से रेडियो ऑन हो जाएगा, सेम नेवी हो गया आपका, ये करंट लोकेशन है भी। आप सेंटर में लोगो यूज़ करना, आपने सिंगल टैप करके लोगो टैप करोगे तो लोगो आप यूज़ कर सकते हो, अगेन सिंगल टैप क्लॉक टैप करते हो क्लॉक आ जाएगा आपका। इन पर स्विचेस पे आप 4 एप्लीकेशन सेव कर सकते हो, सेंटर में ड्रैग करना है, प्लस साइन को लॉन्ग प्रेस, बैक बटन अगेन लॉन्ग प्रेस, बटन सेटिंग्स पे आप कोई भी एक एप्लीकेशन पिक करोगे सेव हो जाएगा आपको, इरेज करने के लिए भी लॉन्ग प्रेस, क्लियर इरेज हो जाएगा। टॉपल वॉइस का ये ऑप्शन होता है सर, वॉइस कमांड का, आपने इसको टैप करना, विद इन सेकेंड में एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेटेड आ गया, फ्लोटिंग आइकन, ये हेल्प फ्लोटिंग आइकन आ गया, ये सारी कमांड्स हमें इसके अंदर मेंशन होती है, आप सेम वर्डिंग बोलोगे तो ये ऑपरेट होगा। होम पेज, ओपन यूट्यूब, क्लोज यूट्यूब, प्ले म्यूजिक, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, क्लोज म्यूजिक, इस कमांड से आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके सर, जब आपको ये पूरी कमांड से रीड हो जाएंगी तो आप यहाँ से इसको हाइड कर सकते हो क्रॉस के, बाकी सब नॉर्मल है सर। आप एंड्रॉयड ऑटो चलाते हो तो आपको एक कार लिंक को टैप करना है, इसके थ्रू आप एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर सकते हो। आईफोन यूज करते हो तो वो भी आपका कार एप्पल प्ले इसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होगा। इक्वलाइजर्स होते हैं सर, इक्वलाइजर्स आप यहाँ से या तो सिनेमा यूज़ कर सकते हो जो DSP मोड होता है, या अपने अकॉर्डिंग रॉक स्टैंडर्ड जैसा आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। बेस अनाउंसमेंट में यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी ऑन करके जैसे भी आपको सॉन्ग यूज़ करना, ये रियर की बेस आएगी, आपकी फ्रंट की बेस आएंगी, फ्रंट के स्पीकर रियर के स्पीकर, जितना आप इंक्रीज़ करोगे उतना पंच इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज में माइनस हो जाएगा सर। ये स्टीयरिंग माउंट्स होगा आपके, वॉल्यूम माइनस, ये नेक्स्ट हो गया, ये प्रीवियस हो गया, ये कॉल रिसीव का बटन हो गया आपका, कॉल रिसीव से आपका ये ब्लूटूथ भी ऑन हो जाएगा, कोई कॉल करेगा तो आपका यहाँ से पिक हो जाएगा, ये डिसकनेक्ट का बटन हो जाता है और प्लस म्यू नॉर्मल काम करेगा, ये वॉइस का हो जाता है, आप इसको पुल अप करोगे तो आपका टॉपल वॉइस ऑन हो जाएगा, आप इसको भी कमांड दे सकते हो। एक लार्ज सेटिंग है सर इसमें, WRVM में कंपनी ना सेटिंग्स नहीं देती साइड बटन्स की, जैसे हम ये हेडलाइट ऑन करते हैं स्विचेस में किसी में लाइट इल्यूमिनेट नहीं होती है, इसमें होती है सिर्फ, तो कंपनी वायर नहीं देती इस कंडीशन में। हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम में, ऐप्स में जाके हम सेटिंग्स में जाएंगे, जनरल को टैप करके स्क्रॉल करना, बैक लाइट कंट्रोल का ऑप्शन होता है, आप इसे ऑन करोगे टाइम कंट्रोल ऑन हो जाएगा, इवनिंग टाइम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली साइड बटन्स में लाइट इल्यूमिनेट हो जाएगी। ओके सर, एक बार इंडिकेटर्स का भी दिखा दीजिए जो कैमराज आपके ऑन होंगे। ये मैनुअली आप ये राइट साइड इंडिकेटर दोगे 2D में आपका ये ऑन हो जाएगा, सेम ऐसे आप लेफ्ट साइड करोगे तो लेफ्ट साइड, और फ्रंट के लिए कैसे करना है? फ्रंट के लिए मैनुअली आपको 360 ऑन करना पड़ता है, एक बार वो भी दिखा दीजिए टॉगल से, ये फ्रंट ठीक है, ठीक है। रियर के लिए आपको ऑटोमेटिकली रिवर्स गियर ऑन होगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा रियर में, और अगर मैनुअली साइड व्यूज देखने दो तो मैनुअली आप 360 ये ऑन करके ये राइट साइड ऑन कर सकते हो, ऐसे से लेफ्ट साइड ऑपरेट कर सकते हो। आपको 2D के अंदर कैलिब्रेशन अपने अकॉर्डिंग करनी है तो आपने सेटिंग सिंबल को टैप करना है, एंगल सेट को टैप करके सेकंड रो स्क्रॉल करनी है, ये लेफ्ट आ गया, 2D हो गया, ये 2D मोड हो गया, 2D विजन आ गया, यहाँ से आप जूम को जितना मर्जी स्ट्रेच कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग,
मूव कर सकते हैं, मूव को सेलेक्ट करके आपका कैमरे का लेंस मूव होगा, वो वहीं स्टेबल रहेगा, अंदर के लेंस मूव होते हैं। ओके सर, वीडियो रिकॉर्डिंग अगर करनी हो बाय चांस किसी कैमरा से, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो तो सेम सेटिंग सिंबल रिकॉर्ड सेट को आपने टैप करना लेफ्ट साइड में, अभी नन है, जैसे हम यहाँ पे USB फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी अब ऑटोमेटिक। अभी कंडीशन में यहाँ पे डॉट स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग का, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आप फिर आप रिकॉर्ड सेट में जाके नन कर दोगे, रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी, कोई ब्लिंकिंग का साउंड नहीं आएगा। बैक बटन करना आपने, ऐप्स में जाके फाइल मैनेजर, पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है, वीडियोज़ में जाएंगे, हमारी रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी। ये सिस्टम की स्टोरेज में सेव नहीं होती ना? नहीं सर, ये सिर्फ पेन ड्राइव में या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में। हाँ जी, जो आप USB पोर्ट के थ्रू जो आपके ग्लव बॉक्स में इंस्टॉल्ड है वहाँ से लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। बाकी एक बार विंडोज ऊपर करके साउंड भी चेक करवा दीजिए। स्प्लिट स्क्रीन का भी बता दीजिए इसके बाद। स्प्लिट स्क्रीन के लिए ना सर आपको ये हॉरिजॉन्टल बॉक्स को टैप करना है, ये साइन बने हुए हैं स्प्लिट स्क्रीन के, जो पेजेस पे सपोर्टेड होता है उसी पे शो करेगा, और जिन पे सपोर्टेड नहीं होगा उस पे ये साइन शो ही नहीं करेंगे सर। एक साइड हमें म्यूजिक चलाना, म्यूजिक के फाइल को टैप किया, म्यूजिक आ गया, सेकंड में हम नेविगेशन या मैप्स को टैप करेंगे इधर, तो आपका अब यहाँ से नेविगेशन यूज कर सकते हैं। ऑफ करना आपको स्प्लिट स्क्रीन सिंगल यूज करनी है, आप इसको टैप करके ड्रैग कर दो तो स्प्लिट स्क्रीन ऑफ हो जाएगी सर। ओके सर, और सिम आपका एक्टिवेट है, सिम से आपका डेटा यूज हो रहा है, एक सिम स्लॉट आपका USB ग्लव बॉक्स में लगा हुआ है। हाँ जी, ये गूगल वॉइस असिस्टेंस होता है, आप इसे टैप करके भी नेविगेशन में हेल्प ले सकते हो कुछ भी, जैसे हमें टाइप किया नेविगेट टू द्वारका, नेविगेटिंग टू द्वारका, ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च कर देगा। ओके सर, आई गेस सर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, इसके अलावा कुछ होगा तो हमारी टेक्निकल टीम, सर्विस टीम वीडियो कॉल के ऊपर अवेलेबल रहते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वर्किंग डेज में सर। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं वुडमैन 3.0 360 मॉडल 4GB 64GB इंस्टॉल हो चुका है सर की WRV में, प्रॉपर फिटिंग आई है, 9 इंचेस का पियानो फिनिश फ्रेम के साथ 9 इंचेस का स्क्रीन लगा हुआ है, और अब हमने फ्रेम के बाकी पार्ट्स भी लगा दिए हैं, तो अब प्रॉपर आपको लुक आ रहा होगा। स्टीयरिंग बटन्स वगैरह की कंपेटिबिलिटी है वो आपको वीडियो में दिख गया होगा ऑलरेडी। अभी सर हमारे साथ बैठे हैं तो एक आध क्वेश्चन उनसे भी पूछ लेते हैं। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने वुडमैन को ऑनलाइन सर्च करा, उसके बाद अभी इंस्टॉलेशन तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सर आपने वुडमैन को फाइंड कहाँ से करा, कैसे आप इसके नॉलेज में आए, आपके नॉलेज में वुडमैन कहाँ से आया सर? ऑनलाइन सर्च से मालूम। ऑनलाइन सर्च से। और आपको अभी अगर स्टूडियो के बारे में फर्स्ट इंप्रेशंस पूछे जाएं सर, कैसा लग रहा है आपको? एक्सेलेंट। और साउंड आउटपुट सर? वेरी गुड। ओके, स्टीयरिंग बटन्स वगैरह की कंपैटिबिलिटी है सर? यस। और जो आपका इंस्टॉलेशन है वो उसमें कोई इश्यू तो नहीं है, कैलिब्रेशन की सेटिंग्स वगैरह सब ओके हैं सर? सब ओके है। अच्छा, और कैमरा की क्वालिटी वगैरह सर? बहुत अच्छा है। स्टीरियो कैसे आप इम्प्रेस्ड हैं सर? लैग फ्री सिस्टम है? सुपर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।